हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूके के विजिट वीज़े के बारे में, जो बहुत ही अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसका कारण है वर्ल्ड कप 2019। आपको सबको मालूम है कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, वो हो रहा है यूके में, यानी कि इंग्लैंड में, या यूके बोले यूनाइटेड किंगडम में। तो अभी अभी जो एजेंट्स हैं वो ये रूमर फैला रहे हैं कि बड़ी आसानी से आओ, सभी आओ, सबको जो है वीज़ा मिल रहा है बड़ी आसानी से, यूके का आप आके अप्लाई करो। बहुत से लोगों से पैसे ठगे जाने हैं, बहुत से लोगों का पैसा ख़राब होने वाला है, बहुत से लोग, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ख़राब करके बैठ चुके होंगे। तो ये वीडियो जो है अवेयरनेस के लिए है कि अगर आप यूके में मैं क्रिकेट मैच देखना चाहते हो, तो आप किसी भी एजेंट के पीछे आंखें बंद करके मत लगिए। अगर वो बोल रहा है कि आपका वीज़ा 100% लग जाएगा, बहुत सारे एजेंट तो ये बोल रहे हैं कि एक वीज़े के साथ एक वीज़ा फ्री हम आपको दे रहे हैं, मतलब टोटली फ्रॉड चल रहा है। कई बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल वर्ल्ड कप की टिकट बुक करनी है, टिकट बुक करने के नाम पर पैसे लेटे जा रहे हैं, पैसे ठगे जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपको कुछ ट्रैवल हिस्ट्री, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल पासपोर्ट चाहिए और आपको टिकट चाहिए वर्ल्ड कप के किसी भी मैच की, आपको जो है वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा जो आपको मिल जाएगा। दोस्तों पहली बात तो जो है यूके जो है वीज़ा वर्ल्ड कप को देख के नहीं देता, ये पहली बात नोट कर लीजिए। अगर आप वहाँ पे जब आप जाओगे तो एक डे वाइज ITR डे भरी जाती है, मतलब एक प्रोसेस से एक फॉर्म फिल किया जाता है जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि आप यूके विजिट विजिट पे क्यों जा रहे हो और आप कितने दिन के लिए जा रहे हो और आप हर दिन में क्या क्या करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है यूके का वीज़ा जो है 6 मंथ का, मेरे ख्याल से 6 महीने का मिलता है, जिसमें आपको के महीने का जो आपको अपना दिखाना होता है तो कि कहाँ कहाँ आपने घूमना है, डे वाइज का, डे वाइज भी है, पहले दिन हमने यहाँ जाना है, सेकंड डे यहाँ करना है, तो बहुत सा प्रोसेस होता है। तो ऐसी वीज़ा नहीं मिल जाता। यूके कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, यूके कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, तो आपको पता ही है कि यूके इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देगा। तो आप एजेंटों के पीछे लग के जो है अपना पैसा ख़राब मत करो, क्योंकि इतनी आसानी से वीज़ा सिंपल टिकट लेके, कई एजेंट तो मैं आपको बताऊं कि कई एजेंट तो फेक टिकट भी बेच रहे हैं, मतलब कि फेक टिकट निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी टिकट हम कर देंगे, आपको सिंपल जो है प्रोसेसिंग फ़ीस हमारी देनी है, वो भी बाद में। कई तो बोलते हैं कि अब प्रोसेसिंग फ़ीस की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बता दूं कि जो भी एजेंट बोलता है कि आपका विजिट वीज़ा आ जाएगा वर्ल्ड कप के लिए बोलता है स्पेशली, तो उसमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड कप के नाम पर आपको वीज़ा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर आपको वीज़ा मिलेगा वो विजिटर वीज़ा, वो टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो होता है घूमने फिरने का वीज़ा कि आप यूके में घूमने जा रहे हो, उसमें आप मेंशन करोगे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रहा हूँ, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंक है। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ वो है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है फिर तो आपके 99% चांस है वीज़ा रिफ्यूज़ होने के, कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गई होगा। क्योंकि अगर आपने किसी और कंट्री में विज़िट नहीं किया, और अगर आप क्रिकेट मैच देखने जा भी रहे हो, अगर आपने इंडिया में कभी क्रिकेट मैच नहीं देखा, क्योंकि यूके में विजिट वीज़ा लेने से पहले या कोई वीज़ा लेने से पहले इंटरव्यू तो होनी होनी, इंटरव्यू होती है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है, या आपको एयरपोर्ट पे पूछा जा सकता है, एम्बेसी वाले पूछ सकते हैं कि आप कभी इंडिया में मैच देखा है, या किसी और कंट्री में क्या कभी आपने विज़िट किया है, छोटी मोटी दुबई, मलेशिया, किसी कंट्री में, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो अगर आपने छोटी मोटी कंट्री में विज़िट नहीं किया, आप डायरेक्ट यूके का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए है कि ऐसे किसी एजेंट के पीछे लग के अपना पैसा ख़राब मत करो। मैच देखना है तो आप घर पे बैठ के देखो। अगर आपने विजिट वीज़ा यूके जाना है मैच देखने, तो उसमें ये मत बोलो कि हम क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं या वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं। आपको प्रॉपर जो है अपनी
डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी आपको, अपनी ITR। आपकी बंदा कमाता 10,000 है, विकसित वीज़ा मांग रहा है UK का, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छी खासी आपकी इनकम भी होनी चाहिए, आपकी ITR होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाके आपको जो है वर्ल्ड कप के लिए आपका विजिट वीज़ा आपका लग सकता है। अदरवाइज़ बहुत ही कम चांस है, अगर मेरे पास चांस है ही नहीं। तो जो भी एजेंट बोलता है, एजेंटों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पैसा खराब मत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, इसको वीडियो को शेयर कीजिए जो भी UK में वर्ल्ड कप के लिए एजेंटों के साथ मिल रहे हैं, या एजेंटों के धक्के चढ़ चुके हैं, या धक्के चढ़ना सोच रहे हैं, ताकि उनको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हो सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।